बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कवि खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, वैसे तो हमने बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 को डिफरेंट एंगल्स से कवर करने के बाद आप लोगों के लिए वीलॉग्स बनाए हैं, लेकिन वंस अगेन मैं आज बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 को 360 के एंगल पर कवर करने की कोशिश करूँगा। 360 के एंगल का मतलब है कि आज मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूं जो कि डे 1 से लेके और आज तक की बात करें तो लोग सुनना चाहते हैं। बिकॉज इन्वेस्टमेंट की बात करें या हम ये बात करें कि हमारे पास रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 क्यों आप लोगों के लिए अहमियत का हामिल है और आने वाले वक्त में हम इसको क्या देखते हैं, इसको हम आज के इस वीलॉग में कवर करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, जिसको मैं 1 बाय 1 आप लोगों के सामने रखूँगा और उन पॉइंट्स के मदद से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। इसमें जो पहला पॉइंट है वो मैं यही ऐड करूंगा कि CDB प्रॉपर्टीज़ की परफॉर्मेंस अब तक की क्या रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह CDB प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बैरिया के जितने भी प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर मौजूद हैं उनको हम कवर करते हैं। उसके साथ साथ रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हमारे पास प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है, और अगर हाई राइज की बात करेंगे तो जहाँ पर भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी, हम आप लोगों से शेयर करें। और उसके साथ साथ हमारे पास डिफरेंट CEOs हैं जो कि हमें एडमायर करते रहे हैं और स्टिल कर रहे हैं, और हमने चूंकि उसमें परफॉर्म किया है तो आप लोगों के पास हमारी ऐसे कई वीडियोस आई भी हैं जिनके अंदर हमें अप्रिसिएशन जो है वो अवार्ड्स दिए गए हैं, और स्टिल अभी हम पाइपलाइन में हैं कि आने वाले वक्त में आप लोग वो भी देखेंगे। उसके साथ साथ नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। नंबर 2 पर बात करेंगे तो हम आते हैं डिवेलपर के ऊपर। देखें, बैरिया की बात करेंगे तो जितने भी बैरिया के प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर मौजूद हैं, नो डाउट बैरिया प्राइवेट लिमिटेड उनको ओन कर रहा है, और आपके पास टाइम टू टाइम डिफरेंट डील्स आई, लाइक बैरिया टाउन है हमारे पास, बैरिया ऑर्चर्ड है, उसके बाद बैरिया नशेमन है, बैरिया एजुकेशन मेडिकल सिटी है। तो इनको ओन कौन कर रहा है? बैरिया। और बैरिया एक ऐसा डिवेलपर है जिसने डिफेंस के बाद लाहौर के लाइफ स्टाइल को चेंज करके रख दिया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये बातें मैं आपको इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ तो आपको पूरा आपको रिकॉल हो जाए कि जी बैरिया क्यों कर अब लाहौर की बात करें या पूरे पाकिस्तान की बात करें कि बैरिया का बहुत ज़्यादा नाम हो चुका है। थर्ड पॉइंट के ऊपर मैं मूव करता हूँ। थर्ड पॉइंट जो है वो मेरा वो है कि पास्ट के इनके प्रोजेक्ट कौन से हैं। देखें, बैरिया की बात करेंगे तो बैरिया के जो प्रोजेक्ट हैं जो हमें मिल रहे हैं लाहौर के अंदर, वो मैंने आपको पहले बताया क्योंकि हम लाहौर को कवर कर रहे हैं तो आपको बैरिया टाउन मिलता है जो सबसे पहला प्रोजेक्ट रहा, उसके बाद बैरिया ऑर्चर्ड को उन्होंने लॉन्च किया, बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस रहा, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। उसके साथ साथ हम बात करेंगे तो बैरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी, और उसके बाद बैरिया नशेमन। यानी कि बैरिया की जर्नी की बात करेंगे तो ये वाले जो प्रोजेक्ट हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं ये बड़ी कामयाबी के साथ आगे की तरफ गए और लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अकॉर्डिंग टू देयर परचेजिंग पावर। उसके अंदर कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उसके अंदर उन लोगों को रेजिडेंशियल ऑप्शंस मिली, 5 मरला 8 मरला 10 मरला 1 कनाल मिडोस घरों की ऑप्शंस, और हाई राइज प्रोजेक्ट की बात करेंगे, कमर्शियल शॉप्स की बात करें, अपार्टमेंट्स की बात करें, इनके बेतहाशा ऑप्शंस आपको मिली। सो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बैरिया की जर्नी रही। उसके बाद अगला जो मैं आपसे पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ लोकेशन का, क्योंकि अब मैं मूव करने लगा हूँ बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 की तरफ, क्योंकि मैंने इसको कवर करना है बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 को। तो मैं आपको ले आया हूँ रायविंड रोड के ऊपर। ये वो रायविंड रोड है जो आप अड्डा प्लॉट से टूवर्ड जब रायविंड सिटी की तरफ जाते हैं तो ये 8 किलोमीटर के बाद आपको जो मेरा करंट प्रोजेक्ट है बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4, इसकी लोकेशन मिलती है। इसकी लोकेशन आपको कहाँ मिलेगी? इसकी लोकेशन आपको मिलेगी जी डिफरेंट सोसाइटीज को क्रॉस करने के बाद, चनार बाग को क्रॉस करने के बाद, आइकॉन वैली का फेज़ 2 और फेज़ 1 क्रॉस करने के बाद आपको बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 1 मिलेगा जो कि राइट साइड पे मिलता है, और फेज़ 1 के गेट नंबर 2 के ऑपोजिट आपको सबसे बड़ी वाइड एंट्रेंस के साथ बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 मिलता है। ये जी इसकी लोकेशन हो गई। लोकेशन इसकी बहुत ज़बरदस्त है, आउटस्टैंडिंग है, और इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि लोकेशन लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि जी आपने हमें वीडियो में बताया था, हमें सही समझ नहीं आया। तो मैं आपको इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि जब आप उसको गूगल के थ्रू भी देखेंगे, गूगल मैप आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि वाकई में जो लोकेशन बताई गई है ये वहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4। अच्छा, करंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टेटस। बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 की लोकेशन की मैंने बात की, सबसे बड़ी एंट्रेंस की बात की, और इसके जो स्टेटस है उसकी बात हम करने जा रहे हैं कि इसका स्टेटस क्या है।
ये मैं अंदर चल के भी आपको दिखाऊंगा। बैरिया के जो छठे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं जी, करंट प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। सर ये अंदर से फुली डिवेलप है, इसके अंदर जितने ब्लॉक्स अवेलेबल हैं उसके बारे में भी हम अंदर जाके आपसे डिस्कस करते हैं, और हमारे पास इसके अंदर क्या क्या मिलता है। लाइक हमें कमर्शियल हब मिलता है, सबसे बड़ा कमर्शियल हब हमें बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर मिलता है। आप अंदर एंटर होंगे, आपके राइट और लेफ्ट साइड पे जितने भी आपको कमर्शियल के हाई राइज मिलेंगे वो आपको बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर मिलेंगे। डिवेलप प्लॉट्स, इसकी रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, उसके साथ साथ जो पार्क हैं, अंदर मस्जिद बनी हुई है, इसके अलावा डिफरेंट डिवेलपर्स ने जो आगे जाके अपने प्रोजेक्ट दिए हैं, ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये आप जब आएंगे, आप लोग विजिट करेंगे या आपके बिहाफ पे कोई भी विजिट करेगा तो इस चीज़ को देखेगा और पाएगा कि जो उनको इस वी लॉक के अंदर बताया जा रहा है वो एज इट इज़ उनको मिल रहा है या नहीं। फर्दर मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, इसके कमर्शियल हब पे खड़े होते हैं जो कि सबसे बड़ा कमर्शियल हब है, कुछ जाके मैं वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आइए अंदर चलते हैं। जी व्यूअर्स, मैं इस टाइम कमर्शियल हब के अंदर मौजूद हूँ और मैंने जिस मॉल का इंतखाब किया है उसके मैं एक फ्लोर के ऊपर मौजूद हूँ जिसका नाम है टाइम्स स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया। ये जो कमर्शियल हब है ये आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर डिफरेंट डेवलपर्स की तरफ से बड़े ही ज़बरदस्त कमर्शियल आपको बना के दिए जा रहे हैं, जहाँ पर आपको 4 साल का पेमेंट प्लान मिलता है और बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 की सबसे बड़ी वाइड एंट्रेंस के ऊपर आपको ये प्रोजेक्ट मिलते हैं। सो एक डेवलपमेंट स्टेटस की बात करेंगे, अब तक की बात करेंगे, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट रही इन लोगों की जो डेवलपर्स ने यहाँ पर ये इनिशिएट लिया। इसके साथ साथ बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर आपको कटिंग के हवाले से, ब्लॉक्स के हवाले से या कमर्शियल प्लॉट्स के हवाले से क्या क्या मिलता है, थोड़ा सा मैं आपको ये भी गाइड करता चलूँ, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। यहाँ पर आपको 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग के प्लॉट्स मिलते हैं, और ये किन किन ब्लॉक्स मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको ब्लॉक्स मिलते हैं G1, G2 से लेके G7 तक। पहले ये 6 ब्लॉक थे, अभी रिसेंटली एक ब्लॉक को और ऐड किया गया है। अब जैसे मैंने यहाँ पर प्लॉट्स के हवाले से आपको बताया कि इस सबसे बड़े कमर्शियल हब के अंदर पहले तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, साथ साथ रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि अपार्टमेंट की है। और अब तक की जो अभी की हम बात करेंगे इस मेन बुलवर्ड के ऊपर, हमारे पास ऑप्शन है वो बैरिया स्काई की है, जिसको लोग कंसिडर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो 5 मरले का प्लॉट है वो हमें तकरीबन 32 लाख रुपये से लेके और मिलता है 70 लाख रुपये का। जो मिनिमम साइड है मैं फिर आपको बता रहा हूँ वो आपको एंड पे जाके मिलेगी, और जो आपको मैक्सिमम साइड है वो आपको कोई ना कोई लोकेशन की चीज़ मिलेगी। इसी तरह 10 मरले के प्लॉट की बात करेंगे तो 10 मरले का जो प्लॉट है वो आपका 65-70 लाख रुपए से लेके वो अप टू सो ऑन लाइक 1 करोड़ 25 लाख तक जा रहा है। कनाल के प्लॉट की बात करेंगे, ऑन ग्राउंड प्लॉट की मैं पहले बात करूँगा उसके बाद ऑफ ग्राउंड का जिक्र करूँगा। जो ऑन ग्राउंड प्लॉट है वो आपका 1.35 से लेके 2 करोड़ 10 लाख का आपको मिलता है, जो कि G1 और G2 जो ब्लॉक हैं वो मैक्सिमम आपके कनाल के हैं। और ऑफ ग्राउंड प्लॉट की बात करें कनाल के, वो 1 करोड़ 15-1 करोड़ 20 लाख में आप लोगों को मिल रहा है। वो कहाँ पर फॉल कर रहा है, वो आगे G6 का एरिया है। इसके साथ साथ 5 मरला कमर्शियल की बात कर लेता हूँ। 5 मरले का जो कमर्शियल प्लॉट है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, मिनिमम साइड की तरफ जाएंगे तो 1.65-1.70 से स्टार्ट होकर 2.5 करोड़ रुपये का, और 8 मरले का जो है कमर्शियल वो 2 करोड़ 30 लाख रुपये से लेके और आपका 8 करोड़ तक का भी है, जो कि पहले अगर हम 2-2.5 साल पीछे जाएंगे तो 2.5-3 करोड़ रुपये के थे जो हमें मिल रहे थे, कैश के ऊपर बात कर रहा हूँ, बट अब इस टाइम की बात करेंगे तो 8 करोड़ तक चले गए हैं। लेकिन वंस अगेन मैं आप लोगों को बता चलूँ कि ये लोकेशन के हिसाब से बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई अच्छी लोकेशन को चूज करें और उसके बाद उसकी डिमांड आप ये देखें कि वो 2 करोड़ 30 लाख का या 2 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपये का है। अच्छा व्यूअर्स, ये हो गया कमर्शियल हब, इसकी इंपॉर्टेंस, डेवलपमेंट स्टेटस इसका क्या रहा। फर्दर हम आगे भी चलते हैं, जैसे मैंने आपको ब्लॉक्स के बारे में बताया, बड़ा अच्छा पॉइंट रहा। अच्छा व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस कमर्शियल हब का पोटेंशियल क्या है, ये आप लोगों को मैंने गाइड कर दिया। यहाँ पर अब फुटफॉल की बात कर लेते हैं, तो डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है, स्टेटस इसका बढ़ता जा रहा है। उसकी रीज़न ये है, लोग अपने घरों की तामीर कर रहे हैं और इस कमर्शियल हब ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। जिस तरह लोगों का फुटफॉल बढ़ रहा है रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब ये कमर्शियल हब बनके तैयार हो जाएगा तो यकीनन यहाँ के रेट्स आपको और ज़्यादा इंक्रीज दिखाई देंगे। अभी आपके पास चूंकि प्लॉट्स की जो ऑप्शंस हैं वो कैश पे मौजूद हैं, उसके साथ साथ 4 साल के पेमेंट प्लान पे आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, फर्दर आपको कैसी डेवलपमेंट मिलती है, स्टेटस क्या है, हम वो आगे चल के बात करते हैं। ब्रो, जैसे हमने बात की करंट डेवलपमेंट स्टेटस की और पोटेंशियल की, फुटफॉल की, तो मैंने आपको जैसे बताया कि जब कहीं पर कंस्ट्रक्शन लेवल बेहतर होता है तो वहाँ पर हमें आने वाले वक्त में फुटफॉल ज़्यादा दिखाई देता है। अभी हम आगे की तरफ मूव करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि अभी डेवलपमेंट स्टेटस क्या है और फर्दर हम आगे आने वाले वक्त में क्या देखते हैं। आइए आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी मैं 160 फीट वाइड मेन बुलवर्ड के ऊपर मौजूद हूँ और मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ। मेरे राइट और लेफ्ट पे G1 और G2 ब्लॉक था, जहाँ पर मैंने वीडियो जो है वो बनाई और बना के आप लोगों को बताया कि ये सबसे बड़ा कमर्शियल हब आप लोगों को मिलेगा।
इस कमर्शियल आपको क्रॉस करने के बाद जो अगली चीज मैंने आपको दिखानी है वो दिखानी है 8 मरला कमर्शियल। ये राइट और लेफ्ट पे मेरे 8 मरला कमर्शियल चल रहे हैं। इनकी प्राइसेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 8 मरला जो कमर्शियल हैं उनकी जो मिनिमम प्राइस है वो 230-235 से लेके और जो मैक्सिमम साइड हमें मिलती है वो 7.5-8 करोड़ रुपये की मिलती है। यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का लेवल बेहतर हो रहा है, जिनके प्लॉट्स पड़े हुए थे उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। G1 और G2 ब्लॉक के अंदर आपको रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कनाल की कटिंग मिलती है, मैक्सिमम कनाल की कटिंग है। प्राइसेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और फिर जैसे ही हम इस तरफ आते हैं तो G1 ब्लॉक की हमें ये मस्जिद मिलती है, ऑपरेशनल मस्जिद है। हमने पहले भी इस मस्जिद को दिखाया हुआ है कि ऑलरेडी यहाँ पर आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग नमाज पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लोग घर बना रहे हैं अपने, और कनाल की कटिंग की बात करेंगे तो बड़ी तेज़ी से लोगों ने घर बनाया है। उसके साथ साथ 10 मरला की जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त चल रही है, क्योंकि देखिए जैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती जा रही है तो लोगों ने अपने घर बनाना शुरू कर दिए, ताकि एटलीस्ट वो जो उनके पास प्लॉट्स उस टाइम के मौजूद है जब इनकी प्राइसेस 51 लाख में आई थी, और कनाल की बात करेंगे तो 81 लाख में आई थी, ताकि वो अगर उस टाइम पर उन्होंने ये अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल की थी तो अब उनको ये फ़ायदा हो कि उनके पास घर बना हुआ हो। अच्छा, ये आपका आ गया G3 ब्लॉक, और ये मेरे बिल्कुल राइट साइड पे है G4 ब्लॉक। 160 फीट वाइड रोड पे ही मैं रहूँगा और मैं आपको ये बताऊँगा कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। जी जो आपका 3 ब्लॉक है वहाँ पर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग कोई ना कोई प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट बाय कर सकते हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं। G4 में भी कर सकते हैं। G4 के अंदर आपको टुपैरी गार्डन मिलता है और ऑपरेशनल गार्डन है वो। उसके सामने भी लोगों के पास जो प्लॉट्स मौजूद थे उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं, जिस टाइम पर उन्होंने लिए थे नो डाउट 5.1 मिलियन के उनको मिले थे। अच्छा, हमसे ये भी लोग पूछते हैं कि आप हमें ये भी बताएं, लाइक ये मेरा आज का पॉइंट है व्यूअर्स, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो कि रिस्क एनालिसिस पे है, कि रिस्क क्या है। देखिए, रिस्क हर जगह पे होता है। आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहला जो रिस्क आप लोगों को फेस करना पड़ता है कि आपने यहाँ पर जब प्लॉट लिए थे, आपने फाइल्स ली थी, तो आपको नहीं पता था कि बैटिंग होने के बाद आपका प्लॉट कहां पर आएगा, ये भी एक रिस्क था। आपने 5.1 मिलियन का यहां पर प्लॉट बुक करवाया था 10 मरले का, किसी का प्लॉट मेन ब्लॉट का आ गया, किसी का कॉर्नर का आ गया, कोई बिल्कुल एंड पे चला गया। अब बुकिंग सेम थी, लेकिन हमारा ये रहा कि आज उनके प्लॉट की प्राइसेस कम है, लेकिन जिनके प्लॉट अच्छी जगह पे फॉल कर रहे हैं उनके प्राइसेस ज्यादा हैं, एक ये आ गया। और उसके साथ साथ अगला रिस्क क्या है कि खुदा ना खासा कोई ऐसी मैप में अमेंडमेंट हो जाए, जो कि हमें एक वक्त में फेज 4 में देखने में आई थी। वो अमेंडमेंट क्या थी? वो अमेंडमेंट ये थी कि यहाँ पर आपको नाइट सफारी पार्क दिया गया था, यहाँ पर आपको सऊदी जर्मन हॉस्पिटल दिया गया था, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर रोज़ गार्डन दिया गया था। सो जब ये चीज़ें यहाँ से ख़त्म की गईं और मैप को रिवाइज़ किया गया, तो ये भी एक रिस्क रहा। लोगों के प्लॉट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ आ गए थे, और उनकी जो प्राइसेस थी वो लाइक 5.1 मिलियन की बुकिंग थी और 3.5 और 4 मिलियन में भी ट्रेड होते हुए हमें दिखाई दिए। सो ये भी इम्पैक्ट रहता है। उसके अलावा हमने देखना ये होता है कि जहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आया कि वो कोई ऐसी जगह तो नहीं है कि जो हम इस सेंस में कर रहे हैं कि ऑफ ग्राउंड एरिया है, कल को ऑन ग्राउंड हो जाएगा। ये भी हमारा एक रिस्क रहता है कि कल को अगर फॉर एग्जांपल वो ऑन ग्राउंड नहीं होता तो वो आपको इतनी अच्छी रिटर्न या इन्वेस्टमेंट आपकी इतनी अच्छी मूव नहीं रहती। तो स्मार्ट मूव्स क्या होती हैं कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना और एक अच्छा प्लॉट, एक अच्छी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को ग्रैब कर लेना। रिस्क एनालिसिस के बाद अगला जो मैं कंपैरिजन करने जाऊंगा कि अदर प्रोजेक्ट्स के साथ मैं क्या देखता हूँ। देखिए, कंपैरिजन मैं बैरियर ऑर्चर्ड के फेज 4 का ऐसे करता हूँ कि हमारे पास जितनी भी राइविंड रोड के ऊपर सोसाइटीज़ मौजूद हैं, इवन कि हम बैरिया की भी बात कर लेते हैं, बैरिया का जो ये वाला प्रोजेक्ट है ऑर्चर्ड का फेज 4, इतना बड़ा कमर्शियल हब आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बैरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 का इतना बड़ा कमर्शियल हब नहीं मिलेगा आपको, फिर ऐसी डेवलपमेंट नहीं मिलेगी। इसके अलावा जिस तरह G5 ब्लॉक की बात करेंगे तो वहाँ पर डेवलपर्स ने बहुत अच्छे जो हैं आपको विलास बना के दिए हुए हैं, होम्स बना के दिए हुए हैं, और अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई हुई है। इसी तरह G6 ब्लॉक के अंदर ये राइट साइड पे आप देखिएगा, एक डेवलपर ने इनको चूज़ किया था जहाँ पर कभी नाइट सफारी पार्क आना था, जिसको ख़त्म किया गया, लेकिन डेवलपमेंट क्या हुई कि एक डेवलपर ने वहाँ पर सफारी होम्स के नाम से डील दी, रीजनेबल प्राइस दी थी उस टाइम पे, आज से 2.5-3 साल पहले। अब यहाँ पर जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन लेवल बेहतर हो रहा है तो लोगों ने यहाँ पर आके रहना है, और इस जगह के रेट्स जो हैं वो रिवाइज होने हैं और मजीद भी होंगे। लेकिन फिर वही बात कि जो हम चीज़ चूज़ कर रहे हैं, अगर हम आज के टाइम पे करेंगे तो ये उन लोगों को फ़ायदा जाएगा जिन लोगों ने आज से 2.5 साल पहले इन पर ट्रस्ट किया था और यहाँ पर घर लिए थे, और ये आपको उस टाइम पर अंदाज़ा होगा जब आपके कीज़ हैंड ओवर होंगी
क्योंकि देखिए 5 मरले का जो घर है इस टाइम 1.60 करोड़ से लेके और 2.25 करोड़ तक का चला गया, तो वहां पर ऐसे घर आपको बड़ी नेमत लगते हैं। फिर वही बात करूंगा कि ये मेरे वो कंपैरिजन है, ये मेरा वो एनालिसिस है जो मैं इस बैरी ऑर्चर्ड के फेज 4 के बारे में दे रहा हूँ। इससे आगे मूव करेंगे तो आगे G6 को और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया था, और एक्सटेंड करने के बाद आपको मजीद डील्स दी गई जो 5 मरला के प्लॉट, 10 मरला के और कनाल के, यहाँ से G6 में हमें आगे मूव करेंगे तो हमें आगे डेवलपमेंट देखने में आती है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि रेट्स में फ्लक्चुएशन या रेट्स में कभी बेची हमें क्या देखने में आती है कि आपका प्लॉट कहाँ फॉल कर रहा है। ये सामने जहाँ मैं जा रहा हूँ ये एरिया है, आगे बिल्कुल ये डेड एंड पे जाके यहाँ से राइट टर्न लेंगे तो G6 ब्लॉक ही है, बट ये जो है आगे रेलवे ट्रैक है, जिनके प्लॉट्स इसके करीब करीब जो फॉल कर रहे हैं वहाँ पर उनके रेट्स जो है हमें कम दिखाई देते हैं क्योंकि नियर बाय आपको रेलवे ट्रैक मिलता है। अगर आपका प्लॉट आगे की तरफ मूव करेंगे G3, G4 की तरफ, वहाँ 10 मरले के या G5, G6 की अच्छी लोकेशन की, तो वहाँ पर आपको जो प्लॉट की प्राइस है वो रिलेटिवली ज़्यादा मिलेंगी। अच्छा व्यूअर्स, ये तो हो गया सारा, आपको मैंने पूरा फेज 4 एक तरह से बताया और इसको कवर करने की कोशिश की। अभी हम CDB प्रॉपर्टीज़ का रोल जो है वो यहाँ डिफाइन करने जा रहे हैं कि CDB प्रॉपर्टीज़ का रोल क्या है। CDB प्रॉपर्टीज़ का ये रोल है जी कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ बाय करना चाह रहे हैं, तो हम आपको हेल्प आउट करेंगे और हेल्प आउट करके हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों के पास जो भी फंड्स अवेलेबल हैं आप उनको कहाँ पार्क कर सकते हैं। ये पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी लेफ्ट साइड पे ये ना फ्रूट गार्डन है जो कि बैरियर ने बड़ा खूबसूरत डेवलप कर दिया ताकि जो रेलवे ट्रैक है उसको ढका जा सके, उसको थोड़ा कवर किया जा सके, और आप लोगों को ना जिसके भी यहाँ प्लॉट हैं उनकी थोड़ी सी उनको वर्थ नज़र आए, जो कि आने वाले वक्त में उनको कम अज़ कम ये एज रहेगा कि बैरिया अपनी ग्रीन बेल्ट्स को भी अच्छा डिवेलप कर देता है। उसके साथ साथ जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि जी CDB प्रॉपर्टीज़ का रोल क्या है, जी CDB प्रॉपर्टीज़ मैं फिर आपको बताऊं कि आप लोगों को हम हेल्प आउट कर रहे हैं, आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, वीलॉग बना रहे हैं, खास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात करेंगे या पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए दूर दराज के लोगों की बात करेंगे, तो हम उन लोगों को ये व्यूज़ दिखाते हैं, चीज़ें दिखाते हैं ताकि उन लोगों को आइडिया हो सके कि उनके प्लॉट्स कहाँ पे हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कहाँ पे है। लाइक हमारे पास कई ऐसे क्लाइंट्स जो हैं वो हमसे रुजू करते हैं कि यार हमारा प्लॉट यहाँ पर है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था, अब हम इसका क्या करें। देखें, अगर आप समझते हैं कि मैं यहाँ से इस चीज़ को डिस्पोज ऑफ करके आगे की तरफ मूव कर सकता हूँ तो हम आप लोगों को बिल्कुल गाइड करेंगे और आपके फंड्स को दोबारा प्लेस करवा के देंगे ताकि आपने जितना प्रॉफिट अब तक अर्न किया है उसके बाद एक नया सर्कल स्टार्ट हो जाए आपके ना प्लॉट्स के अंदर बेहतरी का या इन्वेस्टमेंट में बेहतरी का। यहाँ रुक के मैं आपको थोड़ा सा और गाइड करता हूँ, थोड़ा सा और बताता हूँ, उसके बाद हम अपने वीलॉग का इख्तिताम करते हैं। व्यूज, एंड में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने अपनी वीडियो का आगाज़ किया था उसमें बताया था कि मैं कोशिश करूँगा 360 एंगल पे बैरिया ऑर्चर्ड के फेस 4 को कवर करने की, और इसका टोटल मैं आपको बैकग्राउंड भी बताऊँगा और उसके साथ साथ बताऊँगा कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम मैं राइट नाउ G6 ब्लॉक के बिल्कुल एक डेड एंड पे मौजूद हूँ जहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जिन लोगों ने यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट की थी और अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट को यहाँ से आगे फर्दर ले जाएँ तो वो बिल्कुल लेके जा सकते हैं, हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको फिर ये कहूँगा इन केस आपके पास स्पेयर फंड्स मौजूद हैं और आप समझते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करना है तो वो भी मैं आपको तरीक़ेकार बताऊंगा और मैं आपको फ्रंट की तरफ लेके जाऊंगा कि वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो आपको 4 साल के पेमेंट प्लान को देखते हुए आप लोग बाय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये बात करेंगे कि इन केस अगर आप लोग यहाँ घर बनाना चाहते हैं तो वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया कि डेवलपमेंट नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है। फर्दर कोई भी आप मालूमात लेना चाह रहे हैं या आप कोई भी मशवरा लेना चाह रहे हैं तो CDB प्रॉपर्टीज़ की टीम आपके लिए हर वक्त हाजिर है। मेरा नंबर भी स्क्रीन पर शो रहा होगा, इस +92333115800। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि तमाम अपडेट्स जितने भी हमारे चाहने वाले हैं या जो नहीं भी अभी चाहने वाले उनको बर वक्त मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।